थ्री कंजिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो दिया हुआ, तो तीन कंजिक्यूटिव टर्म क्या लोगे? एन प्लस फाइव सी आर, एन प्लस फाइव सी आर प्लस वन एंड एन प्लस फाइव सी आर प्लस टू, और ये रेशियो आपको क्या दिया हुआ है? फाइव इज टू टेन इज टू फोर्टीन, याद आया कि नहीं बोलो भाई? तो अगर मैं आपसे कहूं कि एन प्लस फाइव सी आर प्लस वन बाई एन प्लस फाइव सी आर लिखना, तो याद है आपको क्या लिखते हैं? एन प्लस फाइव माइनस आर बाई आर प्लस वन, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा? टेन बाई फाइव, तो ये क्या टू के बराबर हो जाएगा बोलो? और यहीं पे आपको लिखना हो एन प्लस फाइव सी आर प्लस टू बाई एन प्लस फाइव सी आर प्लस वन, तो इसको क्या लिखोगे? एन प्लस फाइव माइनस आर प्लस वन बाई आर प्लस टू, क्या है रेशियो? 14 बाई 10, मतलब 7 बाई 5 के बराबर हो जाएगा। दो इक्वेशन, दो अननोन, दोनों को सॉल्व करके n और r की वैल्यू निकाल लोगे। याद आया कि नहीं मेथड बोलो? बोलिए, n की वैल्यू आराम से इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 6 और r की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्लियर है क्वेश्चन? गुड। अब आइए इस टाइप की सिचुएशन देखते हैं। नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स आपको बताने हैं इस इक्वेशन में, सही है? इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स। तो अब ऑब्वियसली इसमें एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है जिसमें 5 की पावर क्या चल रहा है? 1 बाई 2, 7 की पावर क्या है? 1 बाई 6, तो इंटीग्रल टर्म होने के लिए ये 1 बाई 2 हटना चाहिए और ये 1 बाई 6 हटना चाहिए, तब जो टर्म बनेगा वो इंटीग्रल टर्म बनेगा, है कि नहीं? तो अगर हम इसका जनरल टर्म देखें इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का, तो वो क्या होगा? 642 सी आर, 5 की पावर 1 बाई 2 की पावर 642 माइनस आर, और 7 की पावर 1 बाई 6 की पावर आर, जहां पे इस आर की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी? 0, 1, 2 से लेके 642 तक, तो टोटल 643 टर्म्स होंगे इसमें। अब आपसे पूछा गया उसमें से कितने टर्म इंटीग्रल होंगे, तो 642 सी आर, 5 की पावर 642 माइनस आर बाई 2, 7 की पावर आर बाई 6, तो फॉर इंटीग्रल टर्म क्या होना चाहिए बताओ? फॉर इंटीग्रल टर्म्स ये पावर और ये पावर, दोनों पावर इंटीजर होनी चाहिए, तो ये वाली पावर इंटीजर कब होगी? जब 642 माइनस आर किसका मल्टीपल होगा बताओ? एंड उसी समय आर किसका मल्टीपल होना चाहिए? 6 का। ये बात समझ पाए कि नहीं बताओ? मतलब 642 माइनस आर मल्टीपल होना चाहिए 2 का, और आर जो है वो मल्टीपल होना चाहिए किसका? 6 का। अगर आर 6 का मल्टीपल है और उसी समय 642 माइनस आर 2 का मल्टीपल है कि नहीं, तो ये दोनों पावर साइमल्टेनियसली रिमूव होंगी, और जैसे ही दोनों पावर रिमूव होगी, 5 की पावर इंटीजर 7 की पावर इंटीजर, तो पूरा प्रोडक्ट एक इंटीग्रल टर्म में चेंज हो जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया कि नहीं बताओ? यानी हमें ऐसे r पिक करने हैं जिसमें r 6 के मल्टीपल हो और 642 माइनस r 2 का मल्टीपल हो। अच्छा, 6 का जितना भी मल्टीपल आएगा, क्या चीज बेटा? तो अब हमें r 6 का कोई भी मल्टीपल लोगे और उसको 642 से माइनस करोगे, हाँ है ना, तो हमेशा 2 का मल्टीपल आएगा ही आएगा, तो बस 6 के सारे मल्टीपल काउंट कर दीजिए, सही है ना? तो इसका मतलब पॉसिबल r क्या क्या हो सकते हैं बताओ? बोलिए, 0, 6, 12 से लेके कहाँ तक? 642 तक। अब इनमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए बताओ? यानी कि टोटल टर्म्स कितने हो गए? इसी को काउंट कर दो, तो काउंट करना सिखाया ना मैंने, 642 माइनस 6 प्लस 1, बोलो भाई, तो यही आ गया 108 टर्म्स। तो जितने पॉसिबल आर आ जाएंगे जिस पर ये कंडीशन वैलिड होगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी हमें इसमें क्या निकालना है? इसमें हमें निकालना है इरेशनल टर्म्स। इरेशनल टर्म्स मतलब टोटल में से इंटीग्रल टर्म माइनस कर दो, सही है ना? मतलब टोटल टर्म में से क्या माइनस कर दो? इंटीग्रल टर्म्स। तो जो बचे हुए टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगे? इरेशनल टर्म्स। टोटल टर्म्स कितने हैं? 56, उसे इंटीग्रल टर्म माइनस कर दें। तो इंटीग्रल टर्म निकालने के लिए हम टी आर प्लस वन ही लिखते हैं, यानी कि 55 सी आर 2 की पावर 55 माइनस आर बाई 5 और 3 की पावर आर बाई 10,
तो फॉर इंटीग्रल टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या होगी सर? 50 आंसर आएगा. 50. चलिए फॉर इंटीग्रल टर्म्स क्या होगा कि 55 माइनस आर जो है वो होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 5, और आर जो है वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3. देखो जरा ध्यान से. अच्छा आर की वैल्यू क्या क्या है यहाँ पे बताओ, 0, 1, 2 से लेके कहाँ तक, 55 तक. तो हमें 55 माइनस आर को 5 का मल्टीपल रखना है. 10 होगा सर, आर मल्टीपल ऑफ, आर मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए. अब हमें आर 10 का मल्टीपल लिखना है. अब 10 का कोई भी मल्टीपल आप यहाँ रखोगे, 10 का कोई भी मल्टीपल यहाँ रखोगे तो 55 माइनस आर तो हमेशा 5 का मल्टीपल होगा. यानी हमें सीधे सीधे किसके मल्टीपल काउंट कर लेने हैं, 10 के. तो पॉसिबल टर्म्स कितने आ गए, तो पॉसिबल टर्म्स के लिए आर की वैल्यू कितनी हो गई, 0, 10, 20 से लेके कहाँ तक, 50 तक. तो टोटल पॉसिबल टर्म्स कितने आ गए, 6 टर्म. तो आंसर क्या आ गया, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कितने हो गए, टोटल टर्म्स हैं 56, उसमें 6 माइनस कर देंगे तो 50 टर्म्स आ जाएंगे. सही आंसर. तो क्या करना था, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स सेम लॉजिक लगाओ सर. 41. 41 ओके. टी आर प्लस 1 निकालो क्या आ रहा है, 10 सी आर 2 की पावर 10 माइनस आर बाई 2 3 की पावर आर बाई 5. तो आर 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 10 माइनस आर जो है वो मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए, 2, और आर जो है वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5. और आर की वैल्यू है क्या क्या, 0, 1 से लेके कहाँ तक, 10 तक. 5 के मल्टीपल में क्या है, 0, 5 और 10 है, हाँ या ना. तो सिर्फ 0 और 10 रखने पे आएंगे तो इसका मतलब 2 टर्म्स होंगे कि नहीं, बोलिए. जहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी, तो 0 हो जाए या 10 हो जाए, क्योंकि 5 रखने पे आएगा नहीं. तो सम निकाल दो, तो एक बार r को 0 रख दो, तो 10 सी 0 2 की पावर 10 बाई 2, और एक बार 10 रख दो तो 10 सी 10 है कि नहीं, 3 की पावर 10 बाई 5. तो यहाँ से आंसर आया 2 की पावर 10 बाई 2 मतलब 2 की पावर 5, 10 सी 10 1 हो गया, और यहाँ से आंसर आया 3 की पावर 2, 2 की पावर 5 32, 9 आंसर इज 41. देख लीजिए कोई कंफ्यूज. तो ऑब्वियसली अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करें तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, x प्लस वाई की पावर n लिखते हैं, है कि नहीं. इस एक्सपेंशन को हमने लिखा था r इक्वल टू 0 से लेके n, n सी r x की पावर n माइनस r y की पावर r. ये बाइनोमियल एक्सपेंशन था जिसमें टोटल टर्म्स हमने कितने कहे थे, n प्लस 1 टर्म्स. तो हमें मिडिल टर्म निकालना है बाइनोमियल एक्सपेंशन का, यानी जो टर्म बीचों बीच आ रहा हो, तो उस पे टोटल टर्म्स की डीलिंग इम्पॉर्टेंट है. मतलब अगर हम कहें कि n की वैल्यू इवन है तो जो टोटल टर्म्स होंगे वो ऑड होंगे कि नहीं बताओ, जो टोटल टर्म्स होंगे वो n प्लस 1 होंगे, वो ऑड हो जाएंगे. अगर टोटल टर्म्स ऑड होंगे तो एक मिडिल टर्म होगा कि नहीं, मिडिल में एक ही टर्म तो आएगा, तो वन मिडिल टर्म होगा, हाँ या ना. तो टोटल मिडिल टर्म अगर हमें उस केस में डिस्कस करना होगा, अगर n इवन है और हमने कहा कि टोटल टर्म्स हो गए n प्लस 1 ऑड. सपोज जैसे मान लो हमने n की वैल्यू ली 20, तो ये टोटल टर्म्स 21 हो गए, तो मिडिल में जो टर्म आएगा वो 11th टर्म हो जाएगा कि नहीं, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं. तो उस केस में जो मिडिल टर्म होता है वो होता है टी एन बाई 2 प्लस 1. अब इसकी वैल्यू आप आराम से r प्लस 1 करके निकाल देंगे. अच्छा अगर n की वैल्यू ऑड हो जाए तो जो टोटल टर्म्स होंगे वो हमेशा इवन हो जाएंगे. अब देखो अगर हम n की वैल्यू ऑड ले लें, सपोज हमने n की वैल्यू ऑड ले ली 9, तो टोटल टर्म्स हो जाएंगे 10. तो मिडिल पे दो टर्म आएंगे ना, T5 और T6. क्यों, क्योंकि उससे बाद में 4 टर्म होंगे और उसके पहले 4 टर्म होंगे, मेरी बात समझ में आ रही है. तो 4, 4, 8 और 2, 10 टर्म हो जाएंगे. तो मिडिल में दो टर्म आएंगे T5 एंड T6. तो उस चीज को डिफाइन करेंगे तो 2 मिडिल टर्म हो जाएंगे, और वो कौन से हो जाएंगे, T. N कैसा दिया हुआ है, ऑड,
तो एक मिडिल टर्म हो जाएगा एन माइनस वन बाई टू और एक मिडिल टर्म हो जाएगा एन प्लस वन बाई टू। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? सॉरी, एक हो जाएगा एन प्लस वन बाई टू और एक मिडिल टर्म हो जाएगा एन प्लस थ्री बाई टू। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन आर सेम। कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म, सही है, मिडिल टर्म नहीं, कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म सेम। तो वन प्लस अल्फा एक्स की पावर फोर, एन कैसा है यहाँ पे? इवन है। तो जो मिडिल टर्म होगा वो क्या होगा? टी एन बाई टू प्लस वन, यानी टी थ्री होगा कि नहीं? तो वो क्या होगा? फोर सी टू अल्फा एक्स की पावर टू। तो फोर सी टू अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये कोफिशिएंट हो गया। समझ में आया सबको कि नहीं, बताओ? आएगा सर। हैं, क्या कह रहे हो? और अगर मैं यहीं पे इसकी बात करूं, वन माइनस अल्फा एक्स की पावर सिक्स की, यहाँ भी एन इवन है, तो अब जो है मिडिल टर्म क्या आएगा? टी थ्री प्लस वन, तो आएगा फोर सी सॉरी सिक्स सी थ्री माइनस अल्फा एक्स की, तो सिक्स सी थ्री माइनस का अल्फा की पावर थ्री इंटू एक्स क्यूब, ये कोफिशिएंट आएगा। दोनों कोफिशिएंट इक्वल है कि नहीं है? इसका मतलब कंडीशन क्या लगाएंगे? 4c2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6c3 अल्फा क्यूब, इसी को सॉल्व कर दीजिए। सही है ना? तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 6c3 बाई 4c2। 6c3 का मतलब हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई 3 इंटू 2 और 4c2 का मतलब हो गया 4 इंटू 3 बाई 2। इसी को बस सॉल्व करना था आपको। तो आंसर कितना आ रहा है देखो, सिक्स फोर, अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? एक सेकंड, ये वन बाई अल्फा आता है शायद ना। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस थ्री बाई टेन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तरीका समझ गया कि नहीं, मिडिल टर्म को कैसे यूज किया गया? तो इसमें एन कैसा है? ऑड है, तो दो मिडिल टर्म होंगे। क्या क्या होंगे बताओ? एक होगा t 11 प्लस 1 बाई टू, है कि नहीं? यानी कि कितना आ जाएगा? 11 प्लस 1 बाई टू करोगे तो कितना आएगा? 6। बोलिए, तो t 6 क्या लिखोगे? 11 c 5 x की पावर 6 1 बाई x की पावर 5 और एक मिडिल टर्म आएगा 11 प्लस 3 बाई टू, यानी कि t 7। तो उसको क्या लिखोगे? 11c6 x की पावर 6 1 बाई x की पावर 6। देखो जरा सही लिख रहा हूँ कि नहीं। अरे हाँ या ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो t6 into t7 आपको चाहिए, यानी 11c5 into 11c6 और यहाँ से एक बचेगा x, यहाँ से एक बचेगा वन बाई एक्स, यही आंसर आ जाएगा। यानी इसी को हम क्या लिख सकते हैं? बोलिए आंसर क्या आ रहा है भाई इसका? 11c6 into 11c6 लिख सकते हो कि नहीं? ए, देखो कोई कंफ्यूजन ना। तो हमें क्या करना है? एक बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा x प्लस a की पावर n, जिसमें ये फर्स्ट टर्म होगा और ये सेकेंड टर्म होगा, ठीक है ना? तो अगर हमें चाहिए फॉर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, तो हम निकालेंगे, मान लेते हैं कि टी टी आर, ठीक है ना, इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। क्या टी आर प्लस वन कह दो, इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो ऑब्वियसली ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट तब होगा जब ये टी आर से बड़ा होगा या ये टी आर प्लस टू से बड़ा होगा, तभी तो ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा कि नहीं?
तो इसी कंडीशन को यूज करते हुए हम दो कॉन्सेप्ट लगाते हैं. सबसे पहले आर की वैल्यू निकालते हैं जो कि होती है एन प्लस वन अपॉन मॉड ऑफ फर्स्ट टर्म बाई सेकेंड टर्म प्लस वन. क्या करते हैं, एन प्लस वन मॉड ऑफ फर्स्ट टर्म बाई सेकेंड टर्म प्लस वन. ये हमने आर निकाल लिया. अच्छा, ये गिवन एक्स पे ही होगा ये काम, ठीक है. यहां से दो पॉसिबिलिटी हैं, यहां से दो पॉसिबिलिटी हैं. या तो आर की वैल्यू इंटीजर होगी या आर की वैल्यू इंटीजर नहीं होगी. अच्छा, अगर ये आर हमने सॉल्व किया और वो इंटीजर आया तो टी आर एंड टी आर प्लस वन बोथ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म. ये सब इसी कंडीशन को सिंपलीफाई करके निकाला गया, ठीक है. अच्छा, अगर मैंने कहा कि आर इंटीजर नहीं आया तो आर की इंटीग्रल वैल्यू प्लस वन ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा. समझ में आ गया कि नहीं? तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए हर बार हम आर की वैल्यू निकालेंगे. आर मतलब एन प्लस वन अपॉन मॉड ऑफ एक्स बाई ए. मॉड ऑफ एक्स बाई ए का मतलब फर्स्ट टर्म बाई सेकेंड टर्म प्लस वन करेंगे. यहां से या तो आर इंटीजर आएगा या आर इंटीजर नहीं आएगा. अगर आर की वैल्यू इंटीजर आएगी, सपोज हमने सॉल्व किया आर फोर आ गया, तो टी फोर और टी फाइव दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होंगे. समझ में आया? अगर आर की वैल्यू सपोज आ गई 4.3 तो सिर्फ टी फोर प्लस वन मतलब टी फाइव न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा. मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में किसी एक्स पर निकालने के लिए सिंपल ये टेक्निक आप लगाएंगे हर जगह. जहां आपको जैसी सिचुएशन डिमांड होगी उसके हिसाब से आप ये सेम काम करके अपना आंसर हर बार सॉल्व करके लिख देंगे. देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे बताइए. क्लियर हुआ कि नहीं भाई? तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए हम हर बार इज टू एंड वाई इज थ्री. तो सिंपल काम है, हमें आर निकालना है. तो आर होता है एन प्लस वन बाई फर्स्ट टर्म बाई सेकेंड टर्म प्लस वन. अब एन हमें कितना दिया हुआ, 34 प्लस वन. अच्छा, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3. वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2. दिख रहा है कि नहीं भाई? प्लस वन कर दो तो ये कितना आएगा, 35 अपॉन 3 प्लस 5 इंटू 5. क्या ये कैलकुलेशन समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो जवाब कितना हो जाएगा, आंसर बी. बी तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा, 175 आ रहा है क्या? बाई एट. यस सर, 175 बाई एट. 175 बाई एट करोगे तो लगभग कितना आएगा, 21.8 लगभग ही आएगा ना. तो इसका मतलब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आपकी क्या होगा, एन क्या आ गया है, इंटीजर नहीं आ रहा ना. तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या बनेगा, बोलिए. टी 21 प्लस 1 दैट इज टी 22. देन आंसर इज टी 22. अगर हमें 22 टर्म निकालना होगा तो बाइनोमियल एक्सपेंशन करके वो निकाल देंगे. प्रोसेस समझ में आया कि नहीं? ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टर्म बाई सेकेंड, वो एक्स फर्स्ट टर्म बाई सेकेंड टर्म. बस यही आर आपको निकालना है. दोनों पॉसिबिलिटी, अगर आर इंटीजर आता तो दोनों लिख देते है कि नहीं? अगर इंटीजर नहीं आया तो बॉक्स ऑफ आर प्लस वन करके न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट लिख दो सिंपलीफाई करके. अब वो टर्म अगर आपको निकालना हो तो वो टर्म 22 टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन से लिख दो और उसमें एक्स और वाई की वैल्यू करके वह टर्म निकाल दो. मतलब यहाँ पर ग्रेटेस्ट टर्म में आपसे क्या पूछा गया है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ही पूछा गया है. समझ में आ रहा है कि नहीं? बस उसी को सिंपलीफाई करके आपको अपना आंसर निकालना है. हाँ भाई, तो इसमें क्या कर रहे हो, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए सिंपल लॉजिक सेम. हम क्या निकालेंगे, आर निकाल लेंगे. तो आर क्या होता है, एन प्लस वन बाई फर्स्ट टर्म बाई सेकेंड टर्म. ध्यान रखिएगा, प्लस वन. एन कितना दिया हुआ, 7 प्लस वन बाई 4 अपॉन 3. एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई, 2 बाई 3 प्लस 1. तो क्या ये 8 बाई 3 आ रहा है? अरे हाँ है ना. 8 बाई 3 की लगभग वैल्यू कितनी होती है, 2.6 समथिंग. तो इसका मतलब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कितना हो गया,
बोलो ए पार्ट सर। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कितना हो गया, टी टू प्लस वन टी थ्री हो गया कि नहीं बताओ। तो इसका मतलब सेवन सी टू फोर की पावर फाइव इंटू थ्री एक्स, एक्स मतलब 2/3, और उसकी पावर कितना हो गया टू। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। आएगा याद आया कि नहीं ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट के लिए क्या करते हो भाई? इसमें जो भी बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा 60 सी आर होगा, होगा कि नहीं? तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट के लिए आर आर कितना होगा, 8 होगा। याद आया कि नहीं? जो मिडिल में होता वही ग्रेटेस्ट होता था कि नहीं? यस सर। जी आ गया। बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको दिया, उसमें सम ऑफ द कोफिशिएंट आपको निकालना है, ठीक है ना? तो सम ऑफ द, जैसे x प्लस y की पावर n है, सही है? तो जब आप इसको जनरल करके लिखते हैं तो r इक्वल टू 0 से n n c r x की पावर n माइनस r और y की पावर r लिख देते हैं, नहीं? तो इसका मतलब इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, x और y है। इसमें जो है वेरिएबल क्या है भाई, x और y वेरिएबल है। जब हमें सम ऑफ दी बाइनोमियल, सम ऑफ दी कोफिशिएंट निकालना हो, हमें क्या निकालना हो, सम ऑफ दी कोफिशिएंट निकालना हो, तो जो भी वेरिएबल है उसको हम वन रख देंगे। मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि फॉर सम ऑफ कोफिशिएंट, क्योंकि इसके अलावा बाकी चीज तो कोफिशिएंट में ही काउंट हो जाएगी ना, तो फॉर सम ऑफ कोफिशिएंट इन बाइनोमियल एक्सपेंशन पुट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज वन। तो इसका मतलब इसमें हम एक्स और वाई दोनों को वन रख देते हैं तो सम ऑफ कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, बताओ। बोलिए टू टू दी पावर एन, दिखा? अच्छा, यहीं पे अगर एक्स प्लस ए की पावर एन होता तो हम क्या लिखते हैं, n इक्वल टू जीरो से n, r इक्वल टू जीरो से n, ये क्या हो जाता है ncr, x की पावर n माइनस r और a की पावर r होता। अब जो वेरिएबल होता वो सिर्फ इतना वाला पोर्शन होता, ये पूरा कोफिशिएंट में काउंट हो जाता ये। तो हम x को सिर्फ क्या लिखते हैं, फॉर सम ऑफ कोफिशिएंट बोलिए क्या लिखते हैं, एक्स को क्या पुट कर देते हैं, वन। जैसे एक्स को वन पुट करते तो सारे कोफिशिएंट का सम कितना आ जाता, वन प्लस ए की पावर। मेरी बात समझ गए कि नहीं, बताओ? तो अगर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन में सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है, सम ऑफ कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट में नहीं कह रहा हूँ, सम ऑफ कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, तो आपके सिस्टम में जो क्या अवेलेबल है, वेरिएबल अवेलेबल है, उनकी जगह आपको क्या लिख देना है, वन। तो आपको उस एक्सपेंशन में सम ऑफ बाइनोमियल, सम ऑफ कोफिशिएंट मिल जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? तो आपको उस एक्सपेंशन में सम ऑफ क्या मिल जाएगा, कोफिशिएंट्स मिल जाएगा। जो भी कोफिशिएंट है आप वेरिएबल को उठा के वन रख दीजिए, आपको सारे कोफिशिएंट का सम मिल जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बताओ भाई? अरे हाँ या ना, क्या ये बात सबको क्लियर हुई? बोलिए क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है, कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ। नो सर। जहां भी आपको सम ऑफ बाइनोमियल सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना होगा वहां सेम ही लॉजिक लगा दीजिएगा, बस आपको वेरिएबल की वैल्यू क्या रख देनी है, वन। जैसे इसमें ये दोनों वेरिएबल थे इनको वन रख दिया, इसमें ये वेरिएबल था इसको वन रख दिया,
इसी को वन रख के आप सीधा कोफिशिएंट का सम निकाल देंगे। मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग सब। सम ऑफ द कोफिशिएंट मतलब ए और बी दोनों को क्या रख दो, वन, तो टू टू द पावर एन वो कितना है 4096। इसको आप क्या लिखेंगे, टू की पावर 12। बोलिए एन की वैल्यू 12 आ गई। अब एन 12 आते ही हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट चाहिए। तो अगर हम इसका जनरल टर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 12 सी आर ए की पावर 12 माइनस आर और बी की पावर आर, तो यही तो कोफिशिएंट होगा। अरे हाँ या ना? यस सर। तो इसका मतलब कोफिशिएंट इसमें कितना होगा, 12 सी आर, तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कितना होगा जल्दी बताओ, 12 सी 6। बस ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कितना होगा 12 सी 6। अब 12 सी 6 तो निकाल दोगे ना, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू, आराम से इसको सिंपलीफाई करके लिख दीजिएगा, आपका आंसर 94 आ जाएगा। तो ये सारे वेरिएबल हो गए, वेरिएबल को वन रखा, सम ऑफ कोफिशिएंट आया, उसको बराबर किया, 4096 का एन निकला। ये कोफिशिएंट आया क्योंकि ये तो वेरिएबल है। अब उन्हीं कोफिशिएंट को हमने लिख दिया और उसमें से ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट चाहिए, तो ये तो बाइनोमियल कोफिशिएंट आ गया। और बाइनोमियल कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट कहाँ होता है, मिडिल में। मिडिल मतलब आर की वैल्यू 12/2 मतलब 6 रख देंगे, तो मिडिल बाइनोमियल कोफिशिएंट निकाल देंगे, आंसर आ गया। सॉल्व कैसे कर रहे हो, के स्क्वायर माइनस 3 को आप एन माइनस 1 सी आर अपॉन एन सी आर प्लस 1 लिख दें, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना, n माइनस 1 फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हो n फैक्टोरियल r प्लस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये और ये हो गए कैंसिल, इससे इसको कैंसिल करेंगे r प्लस 1 बार आएगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे n बार आएगा, तो ये r प्लस 1 बाई n बन जाएगा। बोलो, अरे हाँ या ना, ये बात समझ में आती है सबको? अच्छा, अगर आप इस दोनों एक्सप्रेशन से देखो तो आर की जो वैल्यू है वो 0, 1, 2 से लेके मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, एन माइनस 1 तक। ये समझ में आया क्यों? बोलो, आर की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, एन माइनस 1 तक। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना? बोलिए, तो आर प्लस 1 की वैल्यू जो होगी वो हमेशा इक्वल या बराबर होगी किसके, एन के। आया ना? तो इसका मतलब r plus 1 by n जो है वो हमेशा 1 से छोटा होगा। तो इसका मतलब k square minus 3 जो है वो हमेशा 1 से छोटा या उसके बराबर होगा। तो k square minus 4 less than 0 होगा कि नहीं, बताओ सोच के। अरे हाँ या ना? इसका मतलब k कहाँ से कहाँ लाई करेगा, minus 2 से 2 के बीच में लाई करेगा। ये बात सबको समझ में आ गई? बोलो। अच्छा, r प्लस 1 बाई n जो है वो हमेशा 0 से तो बड़ा होगा ही, इसका मतलब k स्क्वायर माइनस 3 पॉजिटिव हो गई, यानी k कहाँ से कहाँ लाई करेगा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस रूट 3 यूनियन रूट 3 से इनफाइनाइट, दोनों का जैसे आप इंटरसेक्शन लेंगे क्योंकि दोनों कंडीशन पॉसिबल है, तो k कहाँ से कहाँ आएगा, माइनस 2 से माइनस रूट 3 यूनियन रूट 3 से 2। आंसर डी हो गया कि नहीं, सोचो। क्वेश्चन का लॉजिक क्लियर हुआ? बस दो कंडीशन आपने लगाई, एक आपने ये ऑब्जर्व किया तो इसको 1 से छोटा कर दिया क्योंकि k स्क्वायर माइनस 3 इसके बराबर है, और ये तो आपको पता ही है कि r प्लस 1 बाय n करोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ही, क्योंकि रेशियो कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, क्योंकि r की कोई भी वैल्यू रखोगे वो पॉजिटिव तो हमेशा बनेगा ही ना। बस यानी k की वैल्यू इसके हिसाब से सिर्फ एक आंसर सही आ रहा है, क्या, रूट 3 से 2 के बीच में लाई कर रही है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। तो सबसे पहला लॉजिक जो यूज होगा, अगर हम 1 प्लस एक्स की पावर n देखें तो हम इसको लिख सकते हैं एन सी 0 एन सी 1 एक्स एन सी 2 एक्स स्क्वायर से लेके एन सी एन एक्स की पावर n, इसी में हम x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। तो एन सी 0 एन सी 1 एन सी 2 से लेके एन सी n का सम 2 टू दी पावर n आ जाता है, यानी सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेके एन एन सी आर
ये 2 की पावर n होता है, ये पहला और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका यूज सबसे ज्यादा होता है, सही है ना। अच्छा कहीं पे अगर सिर्फ c0 लिखा हो तो उसका मतलब nc0 ही होता है, तो c0 c1 c2 से लेके अगर cn का सम करना हो तो उसको हम 2 टू द पावर n बोल देते हैं। यहाँ पे c0 का मतलब nc0 से ही होता है, यहाँ पे c0 का मतलब nc0 से ही होता है। तो 0 से लेके n तक का अगर हमें सम करना हो, 0 से लेके कहाँ तक का सम करना हो, n तक का, तो हम इसको ये एक्सप्रेशन बोलेंगे, मतलब r इक्वल टू 0 से लेके n cr, ये सम हमेशा किसके बराबर होता है, 2 टू द पावर n, दैट इज सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट nc0 plus nc1 plus nc2 plus nc3 से ncn तक का जो सम होगा वो 2 टू द पावर n के बराबर होगा। मेरी बात क्लियर हुई? अच्छा ये पहला रिजल्ट है जिसका यूज सबसे ज्यादा होता है। यहीं पे अगर हम अपना एक्सप्रेशन लेते 1 plus x की पावर n लेते तो आ जाता nc0 nc1x nc2x स्क्वायर से लेके ncn x की पावर n, सही है। यहाँ पे अगर हम x को माइनस वन रख दें तो हमें मिलेगा c nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 एंड सो ऑन माइनस वन की पावर n ncn, ये सम जीरो हो जाएगा कि नहीं देखो जरा, क्या ये बात समझ पाए? अब ये सम क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि सिग्मा r इक्वल टू जीरो से n माइनस वन की पावर r एन सी आर, ये सम जीरो होता है कि नहीं। या हम इसी को कह दें सी जीरो सॉरी माइनस सी वन प्लस सी टू माइनस सी थ्री प्लस एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक, माइनस वन की पावर n सी एन, तो ये सम भी क्या होगा, जीरो के बराबर होगा कि नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, बताओ। तो ये दूसरा रिजल्ट हो गया, एक ये रिजल्ट इम्पोर्टेंट है जिसका यूज होता है टू टू दी पावर एन का, एक ये रिजल्ट इम्पोर्टेंट है जिसका यूज होता है, क्या ये बात क्लियर हुई सबको, बोलो। गुड, एक बार इसी एक्सपेंशन में, अभी दोनों रिजल्ट कहाँ से आया इसका लॉजिक ध्यान रखिएगा, एक बार इस एक्सपेंशन में वन रखा तो सारे कोफिशेंट का सम आ गया बाइनोमियल, एक बार माइनस वन रखा तो अल्टरनेट का सम आ गया, बात क्लियर हुई। अब यहीं पे अगर आप ध्यान से देखो हमने क्या पढ़ा, सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू से लेके सी एन का अगर आपको सम निकालना है तो टू टू दी पावर एन होता है, सी जीरो माइनस सी टू प्लस सी थ्री माइनस सी सॉरी सी जीरो माइनस सी वन प्लस सी टू माइनस सी थ्री एंड सो ऑन माइनस वन की पावर एन सी वन का सम निकालते हैं जीरो होता है। अगर हम इन्हीं दोनों को एड कर दें तो हमें मिलेगा C0 प्लस C2 C4 का सम जो कि 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, या इसको और अच्छे से लिखो तो 2 की पावर n बाई 2 हो जाएगा। नहीं, अगर हम इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें C1 प्लस C3 प्लस C5 एंड सो ऑन इसका सम मिलेगा जो कि 2 की पावर n बाई 2 हो जाएगा, यानी दो रिजल्ट और आ गए कि C0 प्लस C2 प्लस C4 दो दो के गैप का सम निकालना है तो एक एक बार प्लस वन रखा एक बार माइनस वन दोनों को ऐड कर दिया, या फिर सी वन सी थ्री सी फाइव ऑड वाले निकालने इसका सम टू टू दी पावर एन माइनस वन होता है, इसका भी यूज हो जाता है कई बार, इसलिए बता दिया। बट कॉन्सेप्ट क्या था कि दो दो के गैप पे हमें सम निकालना था तो हमने क्या कर दिया, एक बार एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन लिया, एक बार एक्स को प्लस वन रख दिया, एक बार माइनस वन किस एक्सपेंशन में, 1 plus x की पावर n में, और दोनों को ऐड कर दिया अगर ये वाले चाहिए थे c0 c2, सबट्रैक्ट कर दिया अगर c1 c3 चाहिए था, उसके हिसाब से दोनों आंसर आ जाए, सही है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो a plus x की पावर n का एक्सपेंशन क्या लिखोगे, nc0 a की पावर n nc1 a की पावर n माइनस वन इंटू एक्स nc2 a की पावर n माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे करते करते एन सी एन क्या आ जाएगा, x की पावर n, इसी में हम x को वन पुट कर दें, दिख रहा है कि नहीं, तो ये क्या आ जाएगा a प्लस वन की पावर n c जीरो a की पावर n c वन a की पावर n माइनस वन से लेके सी एन,
ये सम a प्लस वन की पावर n आ जाएगा कि नहीं बोलो, क्या है मेरी बात समझ में आ रही है बताओ। अगर मैं यही आपसे बोलूं कि हमें r इक्वल टू जीरो से लेके n, ठीक है, n c r a की पावर r का सम निकालना है, तो क्या ये सम वन प्लस a की पावर n होगा? x की जगह बस a रख देना है हमें, अरे हाँ या ना, x की जगह हमें क्या रख देना है a। तो ये भी एक रिजल्ट है जिसको आप ध्यान रखिएगा, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो आप x की जगह a लिख देंगे तो वहां से भी सम आप निकाल लेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? जैसे मान लो हमें निकालना हो ये c0 plus c1 into 3 c2 into 3 square dot 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 cn into 3 की पावर n, तो इसका सम क्या होगा? 1 plus 3 की पावर n, that is 4 की पावर n। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है बताओ, बोलिए क्या ये बात क्लियर हुई? ध्यान से देखते जाना, c0 plus c1x plus c2x square से लेके cnx की पावर n है, इसी को एक बार डिफरेंशिएट कर दो, वो भी किसके रेफरेंस में? x के रेफरेंस में। जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा n 1 plus x की पावर n minus 1। अच्छा c0 तो कांस्टेंट था, हट गया c1, 1 into c1, 2 into c2x, 3 into c3x square, ऐसे करते करते n into cn x की पावर n minus 1 आएगा। अब इसमें x को 1 रख दो जरा, तो ये क्या बनेगा c1, 1 into c1, 2 into c2, 3 into c3 से लेके n into cn, और क्या ये n into 2 की पावर n minus 1 आ जाएगा? इसका मतलब 1 into c1, 2 into c2, 3 into c3 से लेके n into cn हो। अच्छा अगर हम इसमें 0 into c0 लिख दें तो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो n into 2 की पावर n minus 1 आ रहा है। इसका मतलब r equal to 0 से लेके n, r into cr हो, या r equal to 1 से लेके n, r into cr हो, ये सम n into 2 की पावर n minus 1 होता है कि नहीं? हाँ या ना, क्या ये चीज समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम जनरल थॉट लगाते हैं, हम क्या करते हैं कि अगर हम इसको देखें तो ये लिखा हुआ है r इक्वल टू जीरो से लेके n, टू आर प्लस वन इंटू सी आर। ध्यान से देखो, r की वैल्यू जीरो रखो पहला टर्म आ जाएगा, r की वैल्यू इसके बाद वन रखो दूसरा टर्म आ जाएगा, r की वैल्यू टू रखो तीसरा टर्म आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? अच्छा ये हमने कैसे ऑब्जर्व किया, वन थ्री फाइव सेवन टू एन प्लस वन, इसका आर एटम निकाल लिया, c0 c1 c2 cn इसका आर एटम निकाल लिया, और इसी में सिग्मा लगा दिया, दिखा? अच्छा इसी को हम दो पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हैं कि नहीं, r इक्वल टू जीरो से लेके n टू r इंटू सी आर, और r इक्वल टू जीरो से लेके n इंटू सी आर। अच्छा r इक्वल r सी आर का सम तो अभी हमने निकाला था ना, n इंटू टू की पावर n माइनस वन, और ये सम होता है टू की पावर n, इसी को सॉल्व कर दीजिए, पूरे से 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन कर लो, क्या बचा 2n प्लस 2, तो क्या बाहर n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n आ गया? देखो कोई डाउट आ रहा हो तो इसमें हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n डिस्कस करना है इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में, यही तो है सिचुएशन बोलो। तो अगर हम ध्यान से देखें इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को, तो c0 c2 c4 c 2n टोटल टर्म्स इसमें कितने लिखे हुए हैं, टोटल टर्म्स n प्लस 1 लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब अगर हमें x की पावर n का कोफिशिएंट लेना है तो सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम हो जाएगा, तो 2n c0 2n c2 से लेके 2n c 2n हो जाएगा, यानी 2 2 का गैप आ रहा है, तो 2 की पावर 2n by 2 आंसर आता है, यानी 2 की पावर 2n minus 1 ये आंसर हो गया। दिखा कि नहीं बताओ, याद आया कि नहीं, 2n nc0 nc2 nc ncn 2 की पावर 2n by 2 होता है, वही हमने लिख दिया। बोलिए भाई क्या ये बात सबको क्लियर हुई? यस सर। भाई याद आया थ्योरी ऑफ इक्वेशन, टोटल n प्लस 1 फैक्टर है, पहला टर्म क्या बनेगा x की पावर n प्लस 1,
फिर अगला फैक्टर क्या बनेगा, x की पावर n, और उसमें सारे रूट्स का सम आ जाता है, बस वही x की पावर n का कोफिशिएंट आएगा, तो सारे रूट्स का सम हमें चाहिए था, वो हमने ले लिया। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, मेरी बात क्लियर हुई होगी, बोलिए क्लियर हुई कि नहीं बताओ। गुड, चलिए आइए जरा इसको देखो, नेक्स्ट देखिए, एनसीआर इस स्टैंड पर है तो इसका सम बताना है, सी जीरो प्लस सी वन, सी वन प्लस सी टू, ऑब्वियसली सब जगह एनसीआर ही लिखा होगा, यानी एनसी जीरो एनसी वन, एनसी वन एनसी टू, एनसीएन एनसीएन, इन सबका सम आपको बताना है, बताओ जरा क्या आएगा। जल्दी बताइए आंसर क्विक, सर लास्ट पार्ट, लास्ट में डी। भाई आपने पढ़ा है ना कि सी जीरो प्लस सी वन है, सी वन प्लस सी टू है, तो सी जीरो प्लस सी वन को आप क्या लिख सकते हो, एन प्लस वन सी वन, एन प्लस वन सी टू, ऐसे करते करते ये बन गया एन प्लस वन सी एन, यही तो हुआ देखो, यानी कि ये क्या हो गया, R इक्वल टू वन से लेके कहाँ तक, n तक, क्या बोलो, n प्लस वन सी आर आ गया। अच्छा अगर मैं इसको R इक्वल टू जीरो से n प्लस वन तक लिखूं, n प्लस वन सी आर, तो इसमें दो टर्म एक्स्ट्रा आ जाएंगे, एक n प्लस वन सी जीरो आ जाएगा और एक n प्लस वन सी n प्लस वन आ जाएगा। अच्छा इसकी वैल्यू टू की पावर n प्लस वन हो जाएगी और ये दोनों टर्म वन और वन हो जाएंगे, तो आंसर टू की पावर एन प्लस वन माइनस टू टी पार्ट आ जाएगा। क्या ये बात हमें समझ में आ गई बताओ, हमने इसमें ये यूज किया है एनसीआर प्लस एन सी आर प्लस वन, दैट इज एन प्लस वन सी आर प्लस वन, याद आया कि नहीं भाई बोलो, याद आया कि नहीं है। देखिए अगर इसको आप कॉमन सेंस से समझे तो क्या लिखा हुआ है, सी जीरो सी जीरो सी जीरो सी जीरो, कितनी बार बोलो भाई, सी जीरो सी जीरो सी जीरो कितनी बार आ रहे हैं, एन टाइम्स आ रहे हैं कि नहीं, तो यानी कि एन टाइम्स सी जीरो आ गया, एन माइनस वन टाइम्स सी वन आ गया, एन माइनस टू टाइम्स कितना आ गया सी टू, ऐसे करते करते वन टाइम्स सी एन माइनस वन आ गया और जीरो टाइम्स सी एन आ गया, क्योंकि सी एन है ही नहीं ना, यानी हमें ये सम चाहिए, दिखा कि नहीं बोलो। अब लॉजिक समझो, अगर मैं x प्लस वन की पावर n लिखूं तो क्या लिखूंगा बताओ, c0 x की पावर n, c1 x की पावर n माइनस वन, c2 x की पावर n माइनस टू से लेके cn x की पावर जीरो, या cn माइनस वन लिखूंगा तो उसमें x की पावर वन आएगा, और cn लिखूंगा तो x की पावर जीरो आ जाएगा, बी ऑप्शन। इसी को एक बार बस डिफरेंशिएट करो, तो n into x plus 1 की पावर n minus 1, n into c0 x की पावर n minus 1, n minus 1 c1 x की पावर n minus 2, n minus 2 c2 x की पावर n minus 3, ऐसे करते करते cn minus 1 into 1 बच गया होगा। जैसे इसमें x की वैल्यू 1 रखोगे देखो यही आ गया कि नहीं, नहीं समझे, तो आंसर कितना आ गया n into 2 की पावर n minus 1। मेरी बात समझ पाए कि नहीं, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि r equal to 0 से लेके n, सही है ना, n minus r c r, या इसी को लिख दो r equal to 0 से n, n sorry r c r, ये दोनों सम n into 2 की पावर n minus 1 होते हैं कि नहीं बोलो भाई, ये दोनों सम n into 2 की पावर n minus 1 होते हैं कि नहीं, एक बार एक्सपेंशन x plus 1 की पावर n ले लिया और एक बार एक्सपेंशन 1 plus x की पावर n ले लिया, दोनों डायरेक्शन में सोच के हमने सेम आंसर लिख दिया। क्या ये तरीका क्लियर हुआ बताओ भाई,
क्या ये तरीका क्लियर हुआ? कोई डाउट? बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड एक रिजल्ट और था जो उस समय नहीं बता पाए मैं. एनसीआर को आप लिख सकते हो एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन, या इसी रिजल्ट को कुछ बुक्स में ऐसे लिखा मिलेगा एन प्लस वन सी आर प्लस वन इक्वल टू एन प्लस वन बाई आर प्लस वन इंटू एन सी आर, या इसी रिजल्ट को ऐसे भी लिख दिया जाता है कि एन सी आर अपॉन एन माइनस वन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन बाई आर. इन सब का मतलब एक ही है, सही है. और ये रिजल्ट भी बाइनोमियल सम में यूज हो जाता है इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है ना. और ये रिजल्ट भी इम्पोर्टेंट है, इसका यूज हो जाता है एक्चुअली कि एनसीआर को आप लिख सकते हैं एन बाई आर, यहाँ से एन बार करो, सही है ना, यहाँ से ये वाला आर बार करो और इन दोनों को माइनस वो एक एक कम कर दो. तो बेसिकली ये बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू ही लिखे गए हैं. मतलब अगर आप इसको प्रूव करने पे आओगे तो एनसीआर को आप लिख सकते हो एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, और इसको आप लिख सकते हो एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल. अच्छा, इसको लिख सकते हो एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन, अभी भी एन माइनस आर लिखा है. अच्छा, एन बाई आर बाहर कर लो, क्या लिखा हुआ है एन माइनस वन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल. तो बेसिकली ये एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन बन गया कि नहीं, बोलिए. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि सिचुएशनली यूज हो जाता है, कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो सिचुएशनली, जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ ये लिख सकते हैं और अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अच्छा, ये मैंने बताया क्यों है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले याद होगा आपने ये सब निकाला था R इक्वल टू वन से लेके N R C R, याद आया? इसको आपने प्रूव किया था N इंटू टू की पावर N माइनस वन, क्या लेके डेरिवेटिव लेके. अगर हम डेरिवेटिव ना लें इसमें, अब ध्यान से देखना, R इक्वल टू वन से लेके N R बाई N, ठीक है, इंटू N C R. तो एक N से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, N हम साइड करके बाहर कर ले रहे हैं. R इक्वल टू वन से लेके एन आर बाई एन एन सी आर, सही है. आप सोचो एन सी आर को आप लिख सकते हो एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन, तो R बाई एन एन सी आर को आप क्या लिख सकते हो एन माइनस वन सी आर माइनस वन लिख सकते हो कि नहीं, सोचो. तो ये बन गया एन इंटू आर इक्वल टू वन से लेके एन एन माइनस वन सी आर माइनस वन. अब इसको ओपन करो जरा, तो ये क्या आएगा n माइनस वन सी जीरो एन माइनस वन सी वन से लेके n माइनस वन सी एन माइनस वन तक आएगा. तो ये सम क्या हो जाएगा टू की पावर n माइनस वन. यही सम हमें प्रूव करना था. समझ में आया टेक्निक की नहीं, बताओ? तो बिना डिफरेंशिएशन के भी ये रिजल्ट हम इस तरीके से सोच सकते हैं. तो उसमें हमने ये वाला लॉजिक लगाया है ना. तो ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे तो, बट हाँ डिफरेंशिएशन चीजें जल्दी दिख जाती हैं इसलिए हम डिफरेंशिएशन ऑप्ट कर लेते हैं. बट ये लॉजिक भी ध्यान रखिएगा, क्या ऐसा भी होता है कि एनसीआर को एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन लिखा जा सकता है, तो वो सिंप्लीफिकेशन में कई बार यूज हो जाता है. तो वो चीजें आप ध्यान रखिएगा, तो उससे क्या होगा कैलकुलेशन कई बार रिड्यूस हो जाएगा. और कुछ पता चल रहा है क्वेश्चन का? तो भाई सबसे पहले आपने देखा कि ये वाला सम है जो कि पी पे लगा हुआ है, तो एनसीआर का तो कोई रोल है नहीं, तो ये तो समझे बाहर आ जाएगा. मेरी बात समझे कि नहीं? सबसे पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे R इक्वल टू वन से लेके एनसीआर बाहर. अब जो सम अंदर बचेगा वो बचेगा P की वैल्यू जीरो से R माइनस वन तक जा रही है R C P टू की पावर P. सबसे पहले हमें इसी को देखना है कि नहीं. अच्छा, अब अगर हम साइड में इस चीज को देखें, किसको, इसी R प्लस वन सी को, तो क्या लिखोगे बोलो? P इक्वल टू जीरो से लेके R माइनस वन आर सी पी टू की पावर P. P की वैल्यू वेरी कराओ, तो R C जीरो टू की पावर जीरो R C वन टू की पावर वन R C टू टू की पावर टू, ऐसे करते करते R C R माइनस वन टू की पावर R माइनस वन आ रहा है कि नहीं, देख लो. कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, बोलिए. R C R माइनस वन टू की पावर R माइनस वन आ रहा है, बोलो. यानी कि इसमें कौन सा टर्म मिसिंग है बताओ. अगर हम इसी में
आर सी आर टू की पावर आर ऐड कर दें तो हमें आर सी आर टू की पावर आर सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब जरा सोच के बताओ ये सम कितना हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या इस सम को हम 1 प्लस 2 की पावर r बोल सकते हैं? और ये हो जाएगा r c r 2 की पावर r, तो यही सम 3 की पावर r माइनस 2 की पावर r आ जाएगा कि हाँ या ना, सोच के जवाब दो जल्दी से। ये समझे कि नहीं, ये कैसे लिख दिया आज की क्लास में, ये एक्सपेंशन आपने पढ़ा याद आया, एन सी जीरो एन सी वन एक्स एन सी टू एक्स स्क्वायर एन सी एन एक्स की पावर एन, तो वो वन प्लस एक्स की पावर एन होता है, वहां एक्स की जगह टू लिखा हुआ है। समझ गए होगे सब लोग? अब यही सम उठा के यहाँ रख दो तो ये आ जाएगा आर इक्वल टू वन से लेके एन एन सी आर थ्री की पावर आर माइनस टू की पावर आर। अब इसको दो पार्ट में फिर से ब्रेक कर दो, पहला हो गया आर इक्वल टू वन से लेके एन एन सी आर थ्री की पावर आर, दूसरा हो गया r इक्वल टू वन से लेके एन एन सी आर टू की पावर r। अब इसमें एक टर्म फिर से मिसिंग है तो ये क्या बनेगा, वन प्लस थ्री की पावर n माइनस वन, ऐसे ये क्या बनेगा वन प्लस टू की पावर n माइनस वन, वन और वन क्या हो गया कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया फोर की पावर n माइनस थ्री की पावर n, है कि ऑप्शन डी। मेरी बात समझ में आई क्वेश्चन, कि आपको ये एनसीआर बाहर करना है क्योंकि ये समीशन सिर्फ पी आर पे लगा हुआ है, सॉरी पी पे लगा हुआ है, तो पी वाले टर्म वेरी करेंगे, ये तो कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट सिग्मा से बाहर आ जाएगा। अब इसका सम जब हम निकालेंगे तो इसमें एक टर्म ये मिसिंग हो रहा था तो वही हमने ऐड सबट्रैक्ट कर दिया, आर सी आर की वैल्यू वन होती है, ये सम सीधे बन गया वन प्लस टू की पावर आर और ये बन गया टू टू दी पावर आर, तो थ्री की पावर आर माइनस टू की पावर आर आ गया, वो रख दिया। अब ये सम देखोगे तो एन सी वन NC2 से लेके यानी NC0 वाला टर्म मिसिंग है तो 1 मिसिंग है, इसमें भी NC0 वाला टर्म मिसिंग है, 1 1 और 1 कैंसिल, ये बन गया 1 plus 3 की पावर n, ये बन गया 1 plus 2 की पावर n, तो आंसर 4 की पावर n minus 2 की पावर n। देखिए पहले में तो सिंपल यूज था क्योंकि हमको पता है ना कि NCR और NCN minus R सेम होते हैं, तो पहला यूज तो एकदम सिंपल था कि अगर हम R equal to 0 से n R upon NCR लिख रहे हैं तो अगर हम इसको यूज करके लिखेंगे तो जीरो अपॉन एन सी जीरो वन अपॉन एन सी वन, ऐसे करते करते एन माइनस वन एन सी एन माइनस वन और एन सी एन लिखेंगे। अच्छा हमको पता है क्या क्या, कि ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ऐसे करके तो इसी सम को अगर हम रिवर्स करके ऐड कर दें, सही है ना, तो अगर हम इसी सम को के मान लें और इसी को रिवर्स करके ऐड कर दो तो n अपॉन एन सी एन एन माइनस वन एन सी एन माइनस वन से लेके वन अपॉन एन सी वन जीरो अपॉन एन सी जीरो, ये के है। अब ये सम सेम है, यहाँ से टू के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n अपॉन एन सी जीरो एन अपॉन एन सी वन से लेके n अपॉन एन सी एन, एन सिग्मा आर इक्वल टू जीरो से लेके n वन अपॉन एन सी आर आ जाएगा, तो यानी कि एन इंटू ए एन आ जाएगा, है कि नहीं, और बाई टू कर देंगे तो यही के सम कितना आ जाएगा एन इंटू ए एन बाई टू, ये आंसर आ गया। दिखा, चलिए सेकंड नहीं हुआ, सेकंड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या ये ए जी पी है, सोचो जल्दी से सेकंड को। अच्छा सेकंड को दो पार्ट में मैं करता हूँ सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सपोज क्वेश्चन ये होता, सपोज ये क्वेश्चन मैं दो पार्ट में करता हूँ, मतलब ये पार्ट आप उसके बाद तो ये पार्ट आप कर ही लोगे, चलो पहले इसी को कर देता हूँ। जैसे अगर ये देखोगे तो ये ए जी पी है कि नहीं बोलो, वन प्लस वन की पावर वन थाउजेंड एक्स इंटू वन प्लस एक्स की पावर नाइन नाइन नाइन, है ना, फिर एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स की पावर नाइन नाइन एट एंड सो ऑन एक्स की पावर 1000, ये जीपी में है कि नहीं बताओ, जिसका कॉमन रेशियो कितना दिख रहा है एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, हाँ या ना बोलो, ये बात दिखी सबको कि नहीं? यस सर। तो और ये वन, ये जो टर्म आ रहे हैं वन टू थ्री, ये किसमें, एपी में, तो ये पूरी सीक्वेंस क्या लिखी हुई है, ए जी पी।
अभी जेजीपी का सम निकाल लो, उस सम में एक्स की पावर 50 का कोफिशिएंट निकाल दो। मेरी बात समझे कि नहीं बताओ, तरीका ये समझ में आया कि नहीं बोलो। तो बस अब ए जी पी का सम तो निकालना आपने सीखा ही है मेरे हिसाब से। तो 1 प्लस एक्स की पावर 1000, 2x 1 प्लस एक्स की पावर 999, 3x स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 998 एंड सो ऑन 1001 एक्स की पावर 1000। तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x अपॉन 1 प्लस एक्स से, और एक टर्म शिफ्ट कर देंगे तो ये टर्म क्या बन जाएगा, x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 999, फिर 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 998। ऐसे करते करते लास्ट टर्म क्या बनाएगा बताओ, 1000 एक्स की पावर 1001 बोलो। और अगला टर्म क्या बनेगा, 1001 एक्स की पावर 1001 अपॉन 1 प्लस एक्स। चेक करियो जरा सही लिखा है, दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या बनेगा, एस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 1000, यहाँ पे क्या आएगा, x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 999, फिर x स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 998 से लेके ये आ जाएगा x की पावर 1000 तक। ये सारे टर्म GP में आ जाएंगे बताओ, और यहाँ पर बचेगा 1001 x की पावर 1001 बाई 1 प्लस एक्स। अच्छा, इससे ज़्यादा लेना देना है नहीं, क्योंकि इसमें x की पावर 50 कभी आएगा ही नहीं, बोलिए। अच्छा, इधर सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा s अपॉन 1 प्लस एक्स। अच्छा, ये टोटल कितने टर्म्स लिखे हुए हैं देखो जरा, x की पावर 0 से लेके 1001 टर्म्स लिखे हैं कि नहीं, हाँ या ना। तो ये पहला टर्म हो गया 1 प्लस एक्स की पावर 1000, टोटल टर्म्स हो गए इसमें कितने, x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 1001, और होल डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये आ गया 1001 इंटू x की पावर 1001 अपॉन 1 प्लस एक्स। इसी को बस सॉल्व कर लीजिए, दिख रहा है कि नहीं सबको। तो यहाँ से सम s कितना आ जाएगा, जैसे ही 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो x 1 प्लस एक्स सब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से रिजल्ट कितना बना देगा बोलिए, वन प्लस एक्स की पावर 1001 माइनस एक्स की पावर 1001 अपॉन 1 प्लस एक्स। सही लिख रहा हूँ मैं, देखना। और 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स वाला कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा माइनस 1001 इंटू एक्स की पावर 1001। चेक करियो जरा सही लिखा है मैंने। इसी में हमें किसका चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 50 चाहिए। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 1001c50 डी आंसर आ गया। देखिए क्या लॉजिक सबको समझ में आया, नहीं आया, बस हमने इसी ए जी पी का सम निकाल के अपना एक्सपेंशन निकाल के लिख लिया है। उसी एक्सपेंशन भाई, इन दोनों से x की पावर 50 का कोई लेना देना है नहीं, जो भी आएगा वो इसी से आएगा। और 1 प्लस x की पावर n में x की पावर r का कोफिशिएंट ncr होता ही है, तो वही हमने डायरेक्ट उठा के लिख दिया है। ये आपका आंसर हो गया। ये एक मेथड है, समझ में आया कि नहीं। चलिए इसका एक दूसरा मेथड भी है सेम क्वेश्चन सॉल्व करने का, करेंगे। पहली लाइन में ये कहा गया है कि जो इसका मिडिल टर्म है, पहली लाइन में आपसे कहा क्या कहा गया कि जो इसका मिडिल टर्म है वही इसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। तो पहला सवाल, जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है वो बेसिकली मिडिल टर्म है, यही तो है सिचुएशन। तो क्या हम इसका मिडिल टर्म निकाल सकते हैं बोलो भाई, जल्दी सॉल्व करो भाई, पहुंचा भाई आंसर तक। तो पहली इंफॉर्मेशन तो ये कहा है मिडिल टर्म जो है वही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है भाई। तो पहला मिडिल टर्म क्या होगा बताओ बोलो,
तो क्या इसका मिडिल टर्म टी एन बाई टू मतलब 2n by 2 plus 1 होगा कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं? तो इसका जो मिडिल टर्म आएगा वो आएगा tn plus 1, यानी कि 2n cn x की पावर n, ये इसका मिडिल टर्म आएगा। अब यही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा, यही क्या होगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो इसका मतलब जो ये tn plus 1 है वो tn से बड़ा होगा, होगा कि नहीं? और यही जो है वो किससे ग्रेटर होगा, टी एन प्लस टू से भी बड़ा होगा, यही तो सिचुएशन है, तभी ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा। अब अगर टी एन प्लस वन टी एन से बड़ा होगा तो इसका मतलब टू एन सी एन एक्स की पावर एन ग्रेटर होगा टू एन सी एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन से। इसका मतलब एक्स ग्रेटर होगा टू एन सी एन माइनस वन अपॉन टू एन सी एन से। इसका मतलब एक्स किस से ग्रेटर होगा, अगर आप इसको सॉल्व करने पे आओगे तो एक्स किस से ग्रेटर हो जाएगा, n अपॉन टू एन माइनस एन प्लस वन से। इसका मतलब x हमेशा n अपॉन n प्लस वन से बड़ा होगा। अच्छा, अगर टी एन प्लस वन ग्रेटर होगा टी एन प्लस टू से, तो इसका मतलब टू एन सी एन एक्स की पावर n ग्रेटर होगा टू एन सी एन प्लस वन एक्स की पावर n प्लस वन से। तो यानी कि x जो है वो लेस होगा किससे, टू एन सी एन अपॉन टू एन सी एन प्लस वन से। इसका मतलब x किस से लेस होगा, n प्लस वन अपॉन टू एन माइनस एन से, यानी x जो है वो लेस होगा n प्लस वन बाई एन से। तो इसका मतलब x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, बोलो n अपॉन n प्लस वन से n प्लस वन अपॉन n के बीच। क्या लॉजिक समझ में आया सबको, बताओ? अगर x जो है n अपॉन n प्लस वन से n n प्लस वन बाई एन के बीच में लाई करेगा तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ? देखिए लॉजिक वाइज क्या था कि अगर आप देखते हैं तो डिनोमिनेटर में जो n फैक्टोरियल वाले टर्म्स लिखे हैं उन दोनों का सम 2n माइनस 1 है, इन सब का सम कितना है 2n माइनस 1। तो इसका मतलब हम क्या करें, ऊपर नीचे 2n माइनस 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, सही है? और इस जो न्यूमरेटर वाला 2n माइनस 1 है इसको हम अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं हर टर्म में। तो जैसे हम इसको अंदर इन्वॉल्व करेंगे हर टर्म में तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2n माइनस 1 ब्रैकेट 2n माइनस 1 फैक्टोरियल बाई 2n माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू 0 फैक्टोरियल 2n माइनस 1 फैक्टोरियल बाई 2n माइनस 1 माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। ऐसे 2n माइनस 1 फैक्टोरियल बाई 2n माइनस 1 माइनस 4 इनटू 4 फैक्टोरियल। ऐसे करते करते 2n माइनस 1 बाई 2n माइनस 1 ठीक है माइनस 2n प्लस 2 और इनटू 2n प्लस सॉरी 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये चीज आ गई दिखा। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये लिखा हुआ है 2n माइनस 1 सी 0, ये लिखा हुआ है 2n माइनस 1 सी 2, ये लिखा हुआ है 2n माइनस 1 सी 4 से लेके 2n माइनस 1 सी 2n माइनस 2 तक जा रहा है, याद आया? अच्छा, हमने सुबह की क्लास में पढ़ा था अगर हम 1 प्लस x की पावर 2n माइनस 1 ले, सही है ना, तो ये बनेगा 2n माइनस 1 सी 0 प्लस 2n माइनस 1 सी 1 x 2n माइनस 1 सी 2 x स्क्वायर से लेके 2n माइनस 1 सी 2n माइनस 2 x की पावर 2n माइनस 2 2n माइनस 1 सी 2n माइनस 1 x की पावर 2n माइनस 1 आएगा, दिखा कि नहीं? यानी कि अगर हम x की वैल्यू इसमें 1 रख दें और एक बार x की वैल्यू माइनस 1 रख दें तो जैसे आप 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा 2n माइनस 1 सी 0 2n माइनस 1 सी 1 से लेके 2n माइनस 1 सी 2n माइनस 1 माइनस 2 और फिर 2n माइनस 1 तक का सम मिल जाएगा, सही है ना? ये सम आपको कितना मिलेगा 2 की पावर 2n माइनस 1। जैसे ही माइनस 1 रखोगे तो 2n माइनस 1 सी 0 2n माइनस 1 सी 1 से लेके 2n माइनस 1 सी x की पावर 2n माइनस 2n माइनस 2 और माइनस 2n माइनस 1 सी 2n माइनस 1, ये सम आपको 0 मिल जाएगा। जैसे ही आप दोनों को ऐड करेंगे आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं?
जैसे आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये अल्टरनेट सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2n-1c0, 2n-1c2 से लेके 2n-1c, 2n-2, ये सम कितना आ जाएगा 2 की पावर 2n-1, 2 से डिवाइड कर देंगे, यही रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो अब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, किसकी, इस एक्सप्रेशन की। तो अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलिए, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू के लिए क्या करोगे, ये आ जाएगा 1/2n-1 factorial और ये आ जाएगा 2 की पावर 2n-2, तो फाइनल आंसर आएगा 2 की पावर 2n-2/2n-1 factorial। है कोई ऑप्शन, यस, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ये टेक्निक, ये जो आपने काम किया ये वाला, सही है ना, ये आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि भाई 2n-1 चल रहा है और यहाँ पे 2, 4, 6 आ रहा है, याद है वो 2 की पावर n-1 होता है, n है 2n-1 और उसमें एक और माइनस कर देंगे, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे इसको, या फिर अगर डायरेक्ट दिमाग से उतर गया है तो +1 और -1 वाली टेक्निक तो ही, उससे हम अल्टरनेट एक एक गैप के टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। क्या ये तरीका समझ में आया, बोलो। और ये कैसे देखा गया कि ये चूंकि सम सेम आ रहा है तो उसी से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, अब ये 0, 2, 4, 2n-1 उसके हिसाब से सारे फैक्टोरियल बना दिए, अब ये सारे फैक्टोरियल का सम हमें चाहिए था, आंसर लिख दिए। बताएं क्या करेंगे, देखिए क्या है कि ये लिखा हुआ है 4c3, सही है, +5c3 +6c3 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 11c3 +12c3। अच्छा, अगर हम इसमें 4c4 और ले लें और 4c4 सबट्रैक्ट कर दें तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे बताओ, 5c4, फिर ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, 6c4, फिर ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, 7c4, ऐसे करते 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 यहाँ पे आएगा 11c4, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, 12c4, और ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना देंगे, दैट इज 13c4, और ये क्या लिखा है 4c4 मतलब 1, तो आंसर आएगा 13c4-1। ए पार्ट, क्या ये बात हमें समझ में आ रही है, ये बताओ, बोलिए, पहला मेथड क्लियर हुआ सबको कि नहीं, ये बताओ, अरे हाँ या ना, n+1 RCR वाले मेथड से ये बात समझ में आई सबको कि नहीं, बोलो। अच्छा, इसी वो सोचने का दूसरा तरीका भी लगाया जा सकता है, ये तरीका भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई जगह क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में ये दूसरा तरीका यूज होता है। अगर आपने याद होगा, ध्यान से अगर पढ़ा होगा, तो आपने एक चीज पढ़ी थी कि कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर आर इन 1+x^n, ये NCR होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो 4C3, तो 1+x^4 में x^3 का कोफिशियंट क्या होगा, 4C3। 1+x^5 में x^3 का कोफिशियंट क्या होगा, 5C3। 1+x^6 में क्या होगा, 6C3। 1+x^7 में क्या होगा, 7C3। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कोफिशियंट ऑफ x^3 कहाँ पर, 1+x^4, 1+x^5, 1+x^6 से लेके 1+x^12 तक में, इन सब में आपको क्या निकालना है बताइए, कोफिशियंट ऑफ इन सब में आपको क्या निकालना है, कोफिशियंट ऑफ x^3। अच्छा, ये एक जीपी है, अगर आप इस जीपी का सम लिखेंगे तो 1+x^4 ((1+x^9-1)) 1+x^-1 आएगा, यहाँ से 1 और 1 कैंसिल, ये बनेगा 1+x^13-1+x^4 / कितना x। अच्छा, इस वाले एक्सप्रेशन में हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कोफिशियंट ऑफ x^3। अच्छा, डिनोमिनेटर में एक x आई, तो इसका मतलब अंदर से हमें x^4 का कोफिशियंट लेना पड़ेगा, तो इसमें x^4 का कोफिशियंट क्या होगा, 13c4, यहाँ से क्या होगा 4c4, तो भी आंसर 13c4-1 आ जाएगा। ये दूसरा मेथड होगा, क्या है दूसरा मेथड, हमें समझ में आया कि नहीं बताओ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 4c3, 5c3, 6c3, 7c3, 8c3, इसको हम ये लिख सकते हैं ना, 1+x^4 में x^3 का कोफिशियंट, 1+x^5 में x^3 का कोफिशियंट, 1+x^6 में x^3 का कोफिशियंट। तो इसी सेम क्वेश्चन को सोचने का एक वे ये भी हो गया। अब हमने जीपी आराम से सॉल्व कर लिया और इसमें हमने x^3 का कोफिशियंट निकाला,
वो जो कोफिशिएंट आया जो इसमें आया दोनों का सम सेम आ गया, तो वो भी तरीका है। डिनोमिनेटर को क्या लिखेंगे समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? आपने पढ़ा है ना एनसीआर, एनसीआर प्लस वन दैट इज एन प्लस वन सी आर प्लस वन, याद आया? इसमें एक पावर बढ़ा लेते हैं और उसमें जो मैक्सिमम होता है वो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि r इक्वल टू जीरो से n ncr ये हो गया अपॉन n प्लस वन सी आर प्लस वन। अच्छा आज की क्लास में आपने पढ़ा था n प्लस वन सी आर प्लस वन को हम लिख सकते हैं क्या n प्लस वन बाई आर प्लस वन एन सी आर, याद आया कि नहीं? n और ये बाहर कर लेते हैं और एक एक पावर कर देते हैं, याद आया? हाँ या ना? तो अगर हम इसको तो इसको हम ये लिख सकते हैं, जैसे ये रिप्लेस करोगे तो ये बनेगा r इक्वल टू जीरो से n r प्लस वन बाई एन प्लस वन। अब n प्लस वन बाहर कर लो और ये आ गया r इक्वल टू जीरो से लेके n r प्लस वन। जैसे यहाँ पे r प्लस वन वेरी कराओगे तो ये क्या बनेगा वन प्लस टू से लेके कहाँ तक n प्लस वन तक। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दो तो वन अपॉन एन प्लस वन ये आया और ये आया एन प्लस वन इन टू एन प्लस टू बाई टू, एन प्लस वन कैंसिल, आंसर क्या आ गया n प्लस टू बाई टू। क्वेश्चन में n कितना दिया हुआ बताओ 62, जैसे ही n की वैल्यू 62 रखोगे आंसर क्या आएगा 32 आ रहा है कि नहीं चेक करिए जरा। चलिए देखते हैं, तो ये तो समझ में आया होगा कि इसको आप लिख सकते हैं 21C1, 21C2, 21C3 से लेके 21C10 अलग कर दो और माइनस 10C1, 10C2 से लेके 10C10 अलग कर दो, सही है? इसमें 10C0 मिसिंग है केवल, अरे हाँ या ना? और इसमें तो बहुत सारे टर्म्स मिसिंग है। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि 21C0, 21C1, 21C2 से लेके 21C10 प्लस 21C11 से लेके 21C21, इसका सब 2 की पावर 21 होगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? अब जरा ध्यान से देखो, ये दोनों टर्म बराबर हैं कि नहीं? क्यों बराबर हैं? बिकॉज एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। ऐसे ये दोनों टर्म बराबर होंगे, ऐसे ये दोनों टर्म बराबर होंगे, ऐसे ये दोनों टर्म बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बताओ? इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि इतने और इतने टर्म्स को हम टू टाइम्स करके लिख सकते हैं क्योंकि एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर है, तो 21C10 इज इक्वल टू 21C11 because of 21CR is equals to 21C21 minus R होगा, है कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं 2 times of 21C0, 21C1 से लेके 21C10 का जो सम आएगा वो सम कितना आएगा बताओ 2 की पावर 21। यहाँ से 21C0, 21C1 से लेके 21C10 जो है वो 2 की पावर 20 आ जाएगा। वेरी गुड, ये तो सही निकाला, बोलो भाई दिखा कि नहीं? अब इसमें माइनस वन हम कर लेंगे बाद में। अच्छा आप 10 वाले पे आओ, 10 वाला तो ज्यादा आसान था क्योंकि 10C0, 10C1 से लेके 10C10 तक का सम 2 की पावर 10 होता है और हमें यहाँ से यहाँ तक का सम चाहिए, तो 10C1 से लेके 10C10 तक का सम कितना हो गया 2 की पावर 10 माइनस वन। बस ये दोनों सम उठा के रख दीजिए तो फाइनल आंसर कितना आएगा 2 की पावर 20 माइनस वन, 2 की पावर 10 प्लस वन, 1 और 1 कैंसिल, आंसर इज 2 की पावर 20 माइनस 2 की पावर 10। है कोई ऑप्शन 2 की पावर 20 माइनस 2 की पावर 10? आंसर इज डी, गलती मिली जिन्होंने सॉल्व किया था। बोलिए भाई क्या है सॉल्यूशन, आपको समझ में आया कि नहीं आया बताओ? बट उसको कैसे यूज करना है क्योंकि बाइनोमियल कोफिशिएंट का इन्वॉल्वमेंट है ना। अब ध्यान से देखना, याद है मैंने आपको ये समझाया है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर जो 4 होगा इसमें सारे टर्म पावर 2 में चल रहे होंगे कि नहीं? बोलो, अगर आप इसका एक्सपेंशन लिखोगे तो 4C0, 4C1, एक्स स्क्वायर, 4C2, एक्स की पावर 4, ऐसे करके 4C4, एक्स की पावर 4 चल कितना 8 तक जाएगा, दिखा कि नहीं सबको बताओ? ऐसे अगर हम 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 7 समझें तो इसमें क्या जा रहा होगा 7C0, 7C1, एक्स क्यूब, 7C2, एक्स की पावर 6, 733 x की पावर 9, ऐसे करते करते 7C7 x की पावर 21 तक जाएगा। ऐसे अगर हम 1 प्लस x की पावर 4 की पावर 12 की बात करें तो 12C0, 12C1 x की पावर 4, 12C2 x की पावर
8, 12 C3 x की पावर 12 एंड सो ऑन करते करते कहां तक जाएगा ये 12 C 12 x की पावर 48 तक, देख लीजिए आराम से। अब हमें इन्हीं तीनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना और किसका कोफिशिएंट लेना है, x की पावर 11 का। समझ गए कि नहीं भाई? चलिए सबसे पहले यहां से x की पावर 0 ले लो, सही है भाई? तीनों एक्सप्रेशन हम अलग अलग लिख लेते हैं और उसके बाद से कोफिशिएंट देख लेते हैं, जहां जहां 11 बन जाएगा वही हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4, 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 7, 1 प्लस एक्स की पावर 4 की पावर 12। सबसे पहले यहां से एक्स की पावर 0 ले लिया, ठीक है? अगर जब यहां एक्स की पावर 0 लिया तो यहां पे क्या ले सकते हैं बताओ? अच्छा रिवर्स में स्टार्ट करो तो कैलकुलेशन कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर ज्यादा तेजी से भरी होगी। यहाँ पे एक्स की पावर 0 ले लो, ठीक है? तो यहाँ पर एक्स की पावर 0 ले लो, यहाँ पर भी एक्स की पावर 0 ले लो, तो वो पॉसिबल नहीं क्योंकि यहाँ मैक्सिमम 8 तक जा सकता है और हमें जाना 11 तक है। 0 लो यहाँ, 3 ले लो, सही है ना? हाँ या ना? अच्छा इसमें सारी, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, पावर 11 चाहिए, इसमें सारी पावर ऑड इवन आ रही है, इसमें भी सारी पावर इवन ही आएंगी, इसमें भी सारी पावर इवन आएंगी, इन दोनों का सम इवन आएगा, इन दोनों का सम क्या आएगा भाई? इवन। तो इन दोनों में से जो भी पावर लेंगे उसके बाद यहाँ से ऑड पावर ही ले सकते हैं। चलो यहाँ से 0 लिया, यहाँ से 3 लिया, तो 0 और 3 हो गया, तो यहाँ से 8 लोगे तो काम बन जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब यहाँ से 0, यहाँ से 3 और यहाँ से 8, एक सेट ये बन गया, बोलो भाई। अच्छा यहाँ से 0 लिए रहो, यहाँ से 6 ले लो, तो पॉसिबल नहीं क्योंकि ऑड ही चाहिए। 0 के बाद 9 ले लो, 9 के बाद 2 ले लो, तो x की पावर 0, x की पावर 9 एंड x की पावर कितना यहाँ से 2। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा 9 के आगे 12 हो जाएगा, तो आगे जाने का मतलब नहीं है, 0 का काम खत्म। अब यहाँ से x की पावर 4 ले लो अगला, दिख रहा है कि नहीं? जैसे यहाँ से x की पावर 4 पिक करोगे तो 4 के साथ फिर से भाई ऑड, इसमें तो इसमें से हम सिर्फ क्या ले सकते हैं? ऑड। इसमें से सिर्फ हम कौन सी पावर ले सकते हैं 11 बनाने के लिए? सिर्फ ऑड पावर। क्यों ले सकते हैं ऑड पावर समझ में? क्योंकि इसमें और इसमें इवन पावर है और ये सम है ऑड, दो इवन पावर का सम हमेशा इवन आएगा, आया ना? और हमें ऑड पावर चाहिए, इसका मतलब यहाँ से सिर्फ ऑड पावर सोचनी है। तो 4 के साथ 0 सोचेंगे नहीं, 4 के साथ 3, 4 और 3 7, 7 और 4 11, तो x की पावर 4 यहाँ से, x की पावर 3 यहाँ से और x की पावर 4 यहाँ से। समझ रहे हो कि नहीं? बोलिए भाई। अच्छा इसके बाद 4 के बाद 9, 9 और 4 13 खत्म हो गया। इसके बाद यहाँ से 8 ले लो, जैसे यहाँ से 8 लोगे तो यहाँ से 3, 8 और 3 11 हो गया कि नहीं? यहाँ से x की पावर 0 ले लो, और तो पॉसिबिलिटी है नहीं, बाकी बात खत्म हो गई। अब हमने सारी पावर सारे पेयर बना लिए, बस उन्हीं कोफिशिएंट को लिख के हमें आंसर लिख देना है। तो यहाँ से x की पावर 8 लाने के लिए हमें क्या चाहिए? 2r is equals to 8, then r is equals to 2। अब हमें बस कोफिशिएंट लिख के ऐड करते चले जाना है। तो यहाँ से पहला क्या बनेगा? x की पावर 8 चाहिए हमें, x की पावर हमें क्या चाहिए? 8, सही है? तो यहाँ से 2r is equals to 8 आएगा, r equal to 4, इसका मतलब 4c4 into 3 लाने के लिए 7c1, 0 लाने के लिए 12c0 plus 2 लाने के लिए क्या चाहिए? 2r equal to 1 यानी 4c1, 9 लाने के लिए क्या चाहिए? 3 यानी 7c3, 0 लाने के लिए 0 यानी 12c0, आगे बढ़ो। 4 लाने के लिए 2r is equals to 2 यानी 4c2, 3 लाने के लिए 1 चाहिए 7c1, 4 लाने के लिए क्या चाहिए? 1 यानी 12c1, लास्ट वाला देखो, 0 लाने के लिए क्या चाहिए? 4c0, 3 मतलब पावर x क्यूब चला, 3r is equals to 1, तो r equal to 1 यानी 7c1, 8 चाहिए यहाँ पे, तो 8 कैसे आएगा? 4r यानी 2, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा? 12c2, इन्हीं को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिएगा, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखा, बाइनोमियल का एकदम मिक्स यूज, बोलो भाई क्या ये बाइनोमियल का एकदम मिक्स यूज समझ में आया सबको? बताओ, हमने अपना कैलकुलेशन यहाँ से नहीं शुरू किया, समझ में आया कि नहीं? हमने देखा कि इसमें पावर 12 सबसे जल्दी आ जा रहा है, तो हमने अपना कैलकुलेशन यहीं से स्टार्ट किया। सबसे पहले x की पावर 0 को बाइफरकेट किया, 0 के साथ यहाँ ऑड पावर, उसके बाद पेयर ढूंढ लिया, 0 के साथ ऑड पावर, उसके साथ पेयर ढूंढ लिया। अगला ऑड पावर आएगा ही नहीं तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि हमें 11 से नीचे ही रहना है ना। इसके बाद हमने अगला x की पावर 4 लिया, उसके साथ ऑड पावर के साथ पेयर खोज लिया, है कि नहीं? इसके बाद अगला x की पावर 8 लिया, तो ये मैक्सिमम पावर से ही चलेंगे, तो उससे क्या होगा कि कम स्टेप में कैलकुलेशन हो जाएगा और स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। हड़बड़ी में नहीं कि यहाँ से 0 ले लिया फिर यहाँ से 6 और ऐसे ऐसे नहीं,
स्टेप बाय स्टेप सोचेंगे कि कहां से कौन सा टर्म लेने पे, मल्टीप्लाई करने पे क्या चीजें बन रही हैं, उसके हिसाब से सिंपलीफाई करके आंसर लिखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक बार ये डिसाइड हो गया कि कौन कौन से कोफिशिएंट लेने, फिर उन कोफिशिएंट को इसमें कैसे बनाएंगे वो तो हमें जनरल टर्म वाली थ्योरी से पता ही है भाई। इसका जनरल टर्म अगर आप देखोगे तो क्या लिखोगे भाई? ये जो कंपेयर करके हम कोफिशिएंट लिख पा रहे हैं ये तो जनरल टर्म से लिख पा रहे हैं ना भाई। अगर हम इसका जनरल टर्म सोचते तो क्या सोचते, 4cr x की पावर 2r, इसका जन 7 सोचते 7cr x की पावर 3r, इसका जनरल टर्म सोचते तो 12cr x की पावर 4r। बस इन्हीं जनरल टर्म को ध्यान में रखते हुए हमने r की वैल्यू कंपेयर करते हुए रखते चले गए। समझ रहे हो कि नहीं भाई? चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई समझ पाए कुछ भाई? a2 a4 दो दो का गैप चाहिए है ना, तो x स्क्वायर इक्वल टू वन कर दो। अगर यहाँ a1 a2 a5 होता तो तीन तीन का गैप होता तो x क्यूब इक्वल टू वन कर लेते, जितने का गैप है उसी के सारे रूट रख देते हैं। अब x स्क्वायर इक्वल टू वन के रूट क्या आएंगे, प्लस माइनस वन, तो प्लस माइनस वन रख दो। x क्यूब इक्वल टू वन के रूट क्या आते, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो वो रख देते हैं। तो जैसा गैप होता उसके हिसाब से हम काम कर लेते हैं, ठीक है ना? चलिए तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब आओ एक बार इस एक्सप्रेशन में x को रख दो वन, रखो जरा, तो वन और वन टू, टू माइनस टू जीरो, तो वन प्लस ए वन प्लस ए टू से लेके ए ट्वेल्व तक, ये तो जीरो आ गया। अच्छा एक बार इसी एक्सप्रेशन में x को रख दो क्या, माइनस वन, सही है, तो क्या आ जाएगा, वन माइनस वन जीरो, माइनस टू यानी टू की पावर सिक्स आ जाएगा। तो वन माइनस ए वन प्लस ए टू, ऐसे करते करते ए ट्वेल्व, ये टू की पावर सिक्स आ गया। अब हमें चाहिए क्या, ए टू ए फोर दोनों को उठा के कर दो ऐड। जैसे ऐड करोगे क्या आएगा, टू कॉमन, वन प्लस ए टू प्लस ए फोर से लेके ए ट्वेल्व तक के टर्म आएंगे और टू की पावर सिक्स आएगा। डिवाइड कर दो तो वन प्लस ए टू प्लस ए फोर से लेके ए ट्वेल्व आएगा और ये कितना आ जाएगा, 32। हमें चाहिए a2 plus a4 से लेके a12, तो वहां से a12 तक का सम कितना आ जाएगा, 31। यही आपका आंसर हो गया। देखिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? क्यों ऐसा काम किया, क्यों ऐसा ही सोचा, ये बात क्लियर हो? तो इसके रूट क्या क्या आते, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो एक बार वन रखते, एक बार ओमेगा, एक बार ओमेगा स्क्वायर। अच्छा यहीं पे अगर ए2 और ए6 होता तो फोर का गैप आता, तो एक बार वन रखते, आई रखते, माइनस आई रखते और फिर माइनस वन रखते। भाई इसकी इक्वेशन के चार रूट आएंगे ना, यही वाले नहीं? यस सर यस। फिर उन्हीं को ऐड कर देते तो चार चार वाले टर्म बचते, बाकी सब कैंसिल होने लगते। बस ये है, जनरली आपके सामने टू बहुत ज्यादा आएगा तो थ्री आएगा, उससे ज्यादा सिचुएशन नहीं आती है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे जैसे कि एक बार ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, जरूर मैं बता देता हूँ बात आ गई। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन, ठीक है ना, इज इक्वल टू सिग्मा, या सिग्मा भी क्यों लगाए, चलो लगा लो सिग्मा, आर इक्वल टू जीरो से लेके कहाँ तक जा रहा है, टू एन तक, ठीक है ना, और ए आर एक्स की पावर आर तक जा रहा है, सही है ना। अब हमसे पूछा गया फाइंड ए थ्री प्लस ए सिक्स प्लस ए नाइन एंड सो ऑन, और देखें तो ए जीरो भी ले लो, ये बताओ सम कितना आएगा। बोलो अब बताओ क्या रखोगे इसमें, सोचो जल्दी से, कुछ समझ में आ रहा है क्या रखना है, बताओ भाई। अब तीन तीन का गैप है कि नहीं ये बताओ पहले। यस सर, x क्यूब इज इक्वल टू 1 करके नहीं रूट, तो एक बार x को क्या रख दो 1,
तो 1 + 1 + 1 यानी 3 की पावर n आ जाएगा, तो उसमें क्या आएगा a0 प्लस a1 से लेके लास्ट तक का पूरा सम, एक बार x को रख दो ओमेगा, 1 + ओमेगा + ओमेगा² 0 हो जाएगा, a0 प्लस a1 ओमेगा प्लस a2 ओमेगा स्क्वायर, ऐसे करके सम आ जाएगा a2n ओमेगा की पावर 2n, फिर एक बार x को रख दो ओमेगा स्क्वायर, तो 1 + ओमेगा² + ओमेगा अभी भी 0 आ गया, ये a0 प्लस a1 ओमेगा स्क्वायर प्लस a2 ओमेगा की पावर 4, तो वो ओमेगा की पावर 4 मतलब ओमेगा हो जाएगा। अच्छा चलो यहाँ a3 ले लो, एक टर्म यहाँ a3 ओमेगा की पावर 6, तो वो ओमेगा ही बन जाएगा है ना, और यहाँ पे आ जाएगा a3 ओमेगा की पावर 6 एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा होगा a2n ओमेगा की पावर 2 4n, समझ रहे हो। अब जैसे ही आप पूरी इक्वेशन ऐड करोगे तो होगा क्या, 3 की पावर n यहाँ से आएगा, अब ध्यान देना 3a0 आएगा, यहाँ से पूरे से क्या कॉमन आएगा बोलो, a1 कॉमन, 1 + ओमेगा + ओमेगा² 0 हो जाएगा, यहाँ से a2 कॉमन, 1 + ओमेगा² 0 हो जाएगा, जैसे ही a3 कॉमन करोगे फिर से 3 times of a3 आ जाएगा, तो सिर्फ 3-3 के गैप वाले टर्म बचेंगे, बाकी सारे टर्म क्या बनते जाएंगे बताओ, 0। इसका मतलब a0 + a3 + a6 + a9 एंड सो ऑन, ये सम कितना आ जाएगा 3 की पावर n/3, आंसर इज 3 की पावर n-1। क्या है लॉजिक, अब समझ में आया सबको, बताओ बोलो भाई क्या है लॉजिक, अब समझ में आया क्या करते हैं और क्यों करते हैं। अगर हमें कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन में सम ऑफ द कोफिशिएंट निकालना है तो उसकी क्या टेक्निक है याद है, वेरिएबल एक्स को क्या लिख देते हैं 1, तो अगर हम आपसे पूछें सिंपल सम ऑफ द कोफिशिएंट क्या आएगा, तो एक्स की जगह 1 रख दो, तो सिर्फ बाकी तो जगह कोफिशिएंट ही बचेगा ना, अरे हाँ या ना, ये बात समझ में आती है, तो 1 + 3 की पावर n यानी 4 की पावर n आएगा। अब ये जो 4 की पावर n है ये किसके बीच में लाई कर रहा है, 4000 से कहां तक, 10000 के बीच में लाई कर रहा है, देख लो 4000 से 10000 के बीच में क्या बनेगा ये बोलो, तो 4 की पावर n जो है वो 4096 के बराबर होगा कि नहीं, अरे हाँ या ना, इसी को क्या हम 4 की पावर 6 लिख सकते हैं, देखिए जरा, अरे हाँ या ना जवाब दो बोलिए, तो यानी n की वैल्यू 6 आ गई, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि इनके बीच में बस ये इसी के बराबर हो सकता है और n तो वैसे भी एक नेचुरल नंबर होगा ही, n 6 आ गया, एक बार n 6 आ गया तो आपसे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया भाई ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, तो अगर हम इसका जनरल टर्म tr+1 लिखेंगे तो क्या आएगा बताओ, ncr 3x की पावर r आएगा, हाँ या ना बताओ, तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या आएगा, n यानी 6c3 3 की पावर 3, किसी को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ भाई, अगर आप इसका जनरल टर्म ओपन करके लिखोगे तो ncr 3 की पावर r ये कोफिशिएंट होगा और x की पावर r ही तो अलग होगा, ये x वेरिएबल बचेगा उसी को 1 रख के हम अपना काम कर सकते हैं, बाकी में तो ये हमेशा कोफिशिएंट ही आ जाएगा ना सामने, बोलिए समझ गए कि नहीं, गुड यस सर, तो 4000 से बड़ा 4096 ही तो होता है, और अगली बार इसमें 4 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 16000 मतलब ग्रेटर हो जाएगा, ये है ऐसे सोचा था, समझे कि नहीं, yes, इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर बता दीजिए, तुम बताओ कितना आ रहा है, तुम बताओ सॉल्व किया हो कितना आ रहा है तुम्हारा, सर मेरा 540 एक्चुअल में क्या है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पूछा गया है, तो यहाँ पे जो ये ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है ना इसका मतलब क्या हो गया, इस स्टेटमेंट का मतलब हो गया न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, समझ गए कि नहीं, ये ध्यान रखना आज के बाद, इसका मतलब हो गया न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म,
का कोफिशियंट आपसे पूछा गया है। अच्छा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होने के लिए आपको याद है यहाँ पे आपने क्या रखा है, कोफिशियंट निकालने के लिए x को 1 लेके हम चले है कि नहीं, तो हमें 1+3x की पावर n में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है जब x की वैल्यू 1 है। तो उसके लिए हम r निकालते हैं, r की वैल्यू क्या होती है याद है आपको, n+1 / |first term by second term+1। अच्छा n आपने क्या निकाला है 6, तो 6+1 और होल डिवाइडेड बाई 1/3+1 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 7 × 3/4 तो 21/4 आएगा। तो लगभग ये 5.2 something आ जाता है शायद ना, तो इसका मतलब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट जो टर्म होगा वो हो जाएगा t5+1 मतलब वो t6 हो जाएगा। अब t6 आप निकाल दो तो t6 कितना होगा 6c5 और 3x की पावर 5 और x को क्या रख दो 1, तो 6c5 बोलिए 3 की पावर 5 इसी को सॉल्व कर दो क्योंकि x इक्वल टू 1 ही रखोगे तभी तो सारे कोफिशिएंट आ रहे हैं। मतलब आप समझे कि नहीं, मतलब सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट वो करने के लिए आपने x को 1 रख दिया, फिर उन सारे कोफिशिएंट में जो सबसे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है वो निकालना है। क्वेश्चन ये है पहले सारे कोफिशिएंट का सम बताना है वो 4000 से 10000 के बीच में है, तो सारे कोफिशिएंट का सम निकालने के लिए x को 1 ले लिया, फिर उन सारे कोफिशिएंट में जो सबसे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है वो बताना है, यानी कि इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है जब x की वैल्यू 1 चल रही है, क्योंकि x की वैल्यू 1 लेंगे तभी सारे कोफिशिएंट आएंगे, तो यानी उस केस में जो सबसे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा वो ये होगा। मेरी बात समझ गए, अब इसी को सॉल्व कर लो, 65 आ गया 6 और 3 की पावर 5 कितना बन गया बोलो, 65 3 की पावर 5 तो 243 आ रहा है, अब आंसर आ रहा है 1458 ये आंसर है सही। समझ गया कि नहीं तरीका, तो बेसिकली इसमें क्या पूछा गया था, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पूछा गया था सारे कोफिशिएंट में, कोफिशिएंट निकालने के लिए हमें x को क्या रखना पड़ेगा 1, तो इसका मतलब हमें पहले तो ये निकालना है n कितना आएगा, वो आराम से आ गया। इसके बाद x इक्वल टू 1 लेते हुए इसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है और उस टर्म की वैल्यू निकाल देनी है, क्योंकि हमें कोफिशिएंट निकालना है ना, तो इस टर्म का जो भी कोफिशिएंट आएगा वही आपका आंसर हो गया, क्योंकि वही सबसे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा एट x इक्वल टू 1 करने पे। तो डिनोमिनेटर में 12 चल रहा था तो बस हमने 1/12 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, ये तो फील सही आया होगा सबको। अब ये लिखा हुआ 12 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इनटू 11 फैक्टोरियल, फिर 12 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 9 फैक्टोरियल, फिर 12 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल, बस इतने टर्म्स लिखे हैं बोलो। अच्छा अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है 1/12 फैक्टोरियल 12c1 12c3 बोलो भाई 12c3 एंड 12c5 इसका सम हमें निकालना है कि नहीं। अच्छा अगर हम इसमें लिख दें 1/2 × 12 फैक्टोरियल और 2 × 12c1 2 × 12c3 2 × 12c5 ध्यान दीजिएगा जरा। अच्छा अगर हम 1/2 × 12 फैक्टोरियल लिखें ठीक है 12c1 को हम लिख सकते हैं 12c1 और 12c11 इसको हम लिख सकते हैं 12c3 और 12c9 कोई कंफ्यूजन चल रहा है बताओ। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 12c5 और 12c7 याद है NCR is equals to NCR minus R। अब देखो ध्यान से 1/2 × 12 फैक्टोरियल यहाँ बचा 12c1 12c3 12c5 से लेके कहाँ तक 12c11 तक का सम है, तो ये सम सीधा सीधा क्या आएगा 2 की पावर 11 और by 2 × 12 फैक्टोरियल तो ये 2 की पावर 10 by 12 फैक्टोरियल आ रहा है कि नहीं चेक करियो। अरे हाँ या ना बोलो, और यही किसके बराबर दिया हुआ है 2 की पावर n / m फैक्टोरियल के, तो m की वैल्यू 12 हो गई n की वैल्यू 10 हो गई m प्लस n की वैल्यू 22 हो गई। क्या लॉजिक सभी को समझ में आया कि नहीं बताओ, ये कैसे कैसे चीजें सोची गई ये समझ में आया भाई। ये सब निकालने के लिए हमें सारी ऑड पावर चाहिए, 5 के साथ 7 को एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि एनसीआर है, 3 के साथ 9 को एडजस्ट कर सकते हैं, 1 के साथ 11 को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी इसी का ट्वाइस कर दिया हमने
हाँ या ना। अब ये तो सारी ऑड पावर का सम है और आपने पढ़ा कि सारी ऑड का सम कितना आ जाता है, 2 की पावर n-1, 12 तक चल रहा है तो 2 की पावर 11 आ गया, बाई 2 कर दिया, वहीं से सिंपलीफाई कर दिया, आंसर आ गया। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो इस क्वेश्चन में तो, 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन होता है nc0 x की पावर 1, सही है, +nc1x + nc2x² से लेके ncn x की पावर n, याद आया कि नहीं? ये एक्सप्रेशन सबको दिमाग में चल रहा है कि नहीं, बताइए। यस सर। यस। अगर हम इसी को 0 से 1 इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड, 0 से 1 उठा के इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, तो nc0 nc1x nc2x² से लेके ncn x की पावर n (dx), 0 से 1 इंटीग्रेट करो, तो ये क्या बनेगा, 1 + x की पावर n+1 / n+1, लिमिट रख दो 0 से 1, ये क्या बनेगा, nc0 x nc1 x² / 2, nc2 x³/3, and so on, ncn x की पावर n / n+1 / n+1, ये बात समझ में आ रही है सबको, बताओ हाँ या ना। अच्छा, इसमें भी लिमिट रखनी है 0 से 1, जैसे 1 रखोगे तो 2 की पावर n+1, 0 रखोगे तो 1 / n+1 आएगा, यहाँ पे जैसे ही आप 1 रखोगे तो क्या आएगा, nc0 + nc1/2 + nc3/3 से लेके ncn / n+1, इसका मतलब हमने एक रिजल्ट निकाला कि ncr/r+1 और r = 0 से लेके n, तो ये होता है 2 की पावर n+1 - 1/n+1, क्या है रिजल्ट हमें समझ में आता है, ये बताओ, अरे हाँ या ना, बोलिए क्या है रिजल्ट, क्लियर हुआ सबको, हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा, इसी में अगर हम देखें तो सेम एज इसी रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख दें कि r = 0 से लेके n ncr a की पावर r+1 / r+1 होता, तो यही जो इंटीग्रेशन हमने 0 से 1 किया है, अगर हम यही 0 से a कर देते तो हर बार अब यहाँ पे a² a³ a की पावर r+1 आ जाता कि नहीं, a की पावर n+1 आ जाता कि नहीं, और यहाँ पर a लिख देते तो यही एक्सप्रेशन हमारे लिए क्या जाता, 1 + a की पावर n+1 - 1/n+1, देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ भाई, तो यही एक्सप्रेशन आप ऐसे सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं, बताइए क्या ये इंटीग्रेशन वाला मेथड आपको समझ में आया, बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बताए, तो अगर आपको डिवीजन में चाहिए तो इंटीग्रेट कर दिया आपने, अगर आपको सॉरी डिनोमिनेटर में चाहिए, अगर ये पावर न्यूमरेटर में चाहिए तो हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, सही है ना, समझ रहे हो कि नहीं, मतलब अगर मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता कि r = 0 से 1 n r + 1 n c r का सम बताओ तो क्या आंसर आता, याद है, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, r = 0 से 1 r n c r और अगला लिखते हैं r = 0 से लेके n n c r, ये सम क्या हो जाता है 2 की पावर n, ये सम क्या हो जाता है n (2)(n-1), याद आ रहा है कि नहीं, पूरे से 2 की पावर n-1 कॉमन करते हैं, आंसर n+2 आ जाता, बोलिए याद आया कि नहीं ये चीज,